क्या ईशा देओल और भरत तकनानी का डिवोर्स नहीं हुआ है? क्या ईशा देओल के पति भरत तकनानी अभी भी देओल परिवार से ताल्लुक रख रहे हैं? दोस्तों, ये सब के जवाब, सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं और कई सारी चर्चा इस समय चारों तरफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 4 या 5 महीना पहले ही ईशा देओल और भरत तकनानी ने दोनों ने अपने फैसले को जो कि मीडिया के सामने रखा और जो कि बताया कि ये दोनों अपनी मर्जी से दोनों अलग हो रहे हैं। और आप लोगों को बता दें, ईशा देओल और भरत तकनानी की शादी साल 2012 में हुई थी, जो कि एक दूसरे के शादी के बंधन में बंधे थे। और 2012 के बाद जो कि इन दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां आईं और ईशा देओल की दो दो बेटियां भी हैं, जो कि वो अपनी बेटी के साथ अक्सर नज़र आती रहती हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें, ईशा देओल ने हाल ही में खुलासा भी किया है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी दी, जहाँ से देखते ही फैन जो कि उनके हैरान हो गए। और खबर आती है कि ईशा देओल और भरत तकनानी ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया है। लेकिन हाल ही में ईशा देओल की सिस्टर जो कि अहाना देओल का बर्थडे था, और अहाना देओल के बर्थडे के मौके पर भरत तकनानी ने बड़े शानदार तरीके से ईशा देओल के सिस्टर को जो कि जन्मदिन की बधाई दी और उन्होंने कई सारी बातें कहीं। आप लोगों को बता दें, तभी से लोग प्यास लगा रहे हैं कि डिवोर्स होने के बावजूद भी भरत तकनानी आज भी क्यों देओल परिवार से ताल्लुक़ रख रहे हैं, क्या है ये डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, कि ये अफवाह फैली थी। आप लोगों को बता दें, जो कि ये कई सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। वैसे आप लोगों को बता दें, जो कि ईशा देओल और भरत तकनानी भले ही एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत और बातचीत अभी भी हमें देखने को मिलती है। और आप लोगों को बताना चाहेंगे, भरत तकनानी भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं और उनके कई सारे ऐसे जो कि ज्वेलर्स के ब्रांच हैं जहाँ पर उनके कारोबार चलते हैं और वो ज्वेलर्स के जो कि बिजनेस करते हैं, जो कि उन्होंने खुद बताया है। दोस्तों, आप इस सब मामलों पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए।